गौरव गोस्वामी के वैशिष्ट्य पर अंग्रेजी भाषा में बहुत ही सुंदर अपने भाव प्रकाश किए। अब हम गौड़ीय वैष्णव के में परम ऋषि विद्वान तत्त्वज्ञ नृसिंह वल्लभ गोस्वामी को उस समय में सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध वक्ता थे और भागवत के बहुत विद्वान और वक्ता। हमने एक बार उनका सुना था, बहुत गया। उन्हीं के सुपुत्र अभी श्री कुंज वल्लभ गोस्वामी जी आए हुए हैं, ये भी विद्वान और रसिक हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि श्री गौरव गोस्वामी के वैशिष्ट के संबंध में संक्षेप में कुछ वर्णन करें। रूप गोस्वामी प्रभुपाद
समकालीन तथा पूर्वकालीन समस्त आचार्यगण और स्वामीगण सबों के प्रतिनिधि स्वरूप प्रतिनिधित्व करने वाले परम पूज्य परम विभूति श्री रूप गोस्वामी जी हैं। जी हाँ, उन्हीं में समस्त वैष्णव आचार्यों का अंतर्भाव हो जाता है, समस्त आचार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री रूप गोस्वामी का श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रस सिद्धांत को समझने के लिए यदि किसी के चरणाश्रय की नितांत आवश्यकता होती है, जिनकी कृपा की परमावश्यकता होती है, तो वो है श्री रूप गोस्वामी की कृपा के बिना उनके अनुमोदन उनकी करुणा उनकी इंगित के बिना किसी में कोई सामर्थ्य नहीं कि वो रस सिद्धांत को समझे या रसोपासना में प्रवृत्त हो। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद और क्या है, थे नहीं है, अभी भी विद्यमान है श्री वृंदावन धाम में, अपने अप्रकट रूप में अभी भी विराजमान है। भक्ति साम्राज्य और भजन के राज्य में प्रवेश पाने की इच्छा रखने वाले साधकों के लिए श्री गौर चरणाश्रित समस्त भक्त वृंदों के लिए यदि कोई एकमात्र आदर्श स्वरूप एक विशाल प्रकाश स्तंभ के समान मार्ग प्रदर्शक के रूप में यदि कोई है तो वो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद है। क्यों ना हो? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद परम करुणावतार कलयुग पावनावतार प्रेमावतार श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र परम प्रिय पात्र सुयोग्याभियोग्य पात्र एक मात्र उनके प्रियता के आधार स्वरूप सिंहासन पर हम देखते हैं किसी चैतन्य महाप्रभु जी का जब आविर्भाव हुआ था उस समय ब्रजलीला स्थल और ब्रजलीला कथा का लोप हो चुका था। काले नवृंदावन अकेली वार्ता लुप्ते सीताम ध्यापयितुं विशिष्य कृपामृता भीषिषिचे देव तत्रापि रूपं च सनातनम्। वृंदावन लीला कथा वार्ता जो लुप्त हो चुकी थी उस समय उसकी पुनः स्थापना के निमित्त विवेचना पूर्वक परम करुणावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने करुणामृत के अभिसिंचन करके अभिषिक्त किया प्रथम श्री रूप को और श्री सनातन। जिस प्रकार राज सिंहासन में राजा को अभिषिक्त करके राज्य कार्यभार को सौंपा जाता है उसी प्रकार परम करुणामय श्री श्री गौरांग महाप्रभु अपने परम प्रिय कृपा पात्र श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को अपने करुणामृत अभिषेक करके उनको मानी
अधिष्ठित किया श्री भक्ति राज्य में, श्री भक्ति प्रचारा तत्रापि रूपं च सनातनं च। श्री रूपवाद का नाम पहले आने का तात्पर्य यही है कि श्री रूप गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्री गौरा महाप्रभु की करना को प्राप्त किया था, कृपावृत से अभिसंचित हुए थे। यद्यपि श्री गोस्वामी में कोई छोटे बड़े नहीं है, सभी समान है, समान दृष्टि रखते हुए समस्त गोस्वामी प्रभुपादों की वंदना की जाती है। षड गोस्वामी, नव गोस्वामी, दश गोस्वामी, समस्त गोस्वामी प्रभु एक समान भाव से श्रद्धा के साथ उनकी वंदना की जाती है। किंतु श्री रूप का नाम सर्वप्रथम दिया जाता है, इसका तात्पर्य है आप सभी जानते हैं किसी रूप की करना को प्राप्त करके ही हम अन्य आचार्यों के कृपा पात्र बन करके सीधे श्री श्री पंचतत्व श्री पंचतत्वात्मक श्री कृष्ण की शरण में पहुंच सकते हैं। पंचतत्वात्मक कृष्ण कृष्ण स्वरूप तो प्रथम श्री रूप पाद को और उसके बाद सनातन गोस्वामी को करुणाधिष्ठित किया। और देखिए वृंदावनीयां रसकेन मात्रा कालेन तुक्ता निजशक्ति उत्कः वृंदावनीय जदसकेली रसमयी लीला की जो वार्ता है काल के प्रभाव से लुप्त हो जाने के कारण परम करुणामय प्रभु ने अपनी शक्ति को शक्ति का संचार किया और अत्यंत उत्कंठित होकर के ये शक्ति कहा संचार्य रूप में व्यतनोत पुनः सर्वप्रथम इसका संचार शुरू को संस्कृत और इसका विस्तार किया उनके माध्यम से। जिस प्रकार प्रभु विधौ प्रादिव लोक सृष्टि, प्रभु स्वयं भगवान सृष्टि से पूर्व जिस प्रकार ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का संचार करके लोक सृजन विश्व सृजन में उनको प्रवृत्त करते हैं, उसी प्रकार परम करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति का संचार प्रथमतः श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने करके उनके माध्यम से वृंदावनीय रसमयी लीला वार्ता कथा का प्रचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने की कृपा को प्राप्त करके विश्व सृजन करने में प्रवृत्त हुए थे। जी हाँ, ये कहा रूप गोस्वामी प्रभु को करुणामृत संचार और करुणामृताभिषेक कहा हुआ संभव उसे प्रयाग में, प्रयाग में मिलन के समय और जिस समय प्रभु से मिलते हैं तो वर्णना करते हैं कि नमो महावदान्याय, महावदान्य है, महान दाता है। बल महान दाता जिसे कहते हैं जो महान वस्तु को प्रदान करे, तो जी हाँ परम वस्तु जिससे ऊपर और कोई वस्तु
वस्तु नहीं है, इस प्रकार की वस्तु को प्रदान करने के कारण महाबलान ने कहा गया है। मुझे कौन सी वस्तु है? कृष्ण प्रेम प्रदान, कृष्ण प्रेम प्रदान, ये कृष्ण प्रेम सर्वोपरि है, जिससे ऊपर और कुछ नहीं। और ये है कौन? कृष्ण, ये वही कृष्ण है, द्वापर लीला के कृष्ण। लेकिन आप नाम बदल गया है जी, पर कृष्ण चैतन्य नाम नहीं, हम उनका नाम कृष्ण चैतन्य हो गया। अरे द्वापर के कृष्ण तो सांवरे थे, श्याम वर्ण के थे, पर नहीं गौर विशेष, गौर वर्ण विशिष्ट चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, भगवान को पहचान लेते हैं। मैंने उनको सुना, देर नहीं जाते, ये प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी प्रभुवाद का श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिलन जो है एक अपूर्व, एक अत्यंत अद्भुत घटना। चैतन्य चिंतामणि में पाते हैं कि प्रयाग क्या है, जहाँ संगम स्थल है, गंगा यमुना नारिलो प्रयाग डुबाई थे, गंगा यमुना प्रयाग नारिलो डुबाई थे, प्रयाग जो तीर्थ है, तीर्थराज श्री गंगा की धारा और श्री यमुना की धारा दोनों मिलकर के भी संपूर्ण प्रयाग को डुबोने में समर्थ नहीं, नहीं नारी लगवाई थी, जिस काम को श्री गंगा यमुना नहीं कर सकी, आज उस कार्य को संपन्न किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। प्रभु डुबाई लो कृष्ण प्रेमेर मन्या, चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण प्रेम की बन्या, बन्या मतलब बाढ़, अत्यंत प्रबल धारा में संपूर्ण प्रयाग को निमज्जित कर दिया। जी हाँ, कोई ये कहेंगे कि भाई गंगा यमुना के साथ तो सरस्वती भी है, ठीक है, सरस्वती लुप्त है, अदृश्य धारा है, तीनों का संगम है, पर यहाँ भी देख लीजिए तीनों का संगम है। प्रत्यक्ष रूप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके परम प्रिय भक्त श्री रूप गोस्वामी और उनके हृदय में स्थित जो भक्ति की पावनी धारा है वो अदृश्य सरस्वती के रूप में है। इस प्रकार वर्णन मिलता है, तीनों का संगम प्रयाग में हो रहा है, भक्ति प्रेमापूर्त हृदय भक्त श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद और परम करुणामय प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलन संघटित प्रयाग, उनकी शक्ति संचार किया, दस दिन की अवधि में उनको शिक्षा प्रदान की, समस्त भक्ति रस सिद्धांत के निगूढ़ भाव को उनके अंदर पहुंचे और प्रभु की परम कृपा को दर्शन। तो परम कृपा भाजन उनके परम प्रिय पात्र जिनके साथ उनका हृदय के संबंध है, ऐसे श्रीमान महाप्रभु जी के सम्मुख श्रीपाद रूप गोस्वामी का उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया इस बात को, जब भक्ति कथामृत संघ का प्रणय कर रहे थे उन्होंने कहा हृदय प्रेरणया, हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराग रूपो भी तस्य हरे पदकमलं पद्मे चैतन्यदेवस्य। हृदय में जिनकी प्रेरणा का उद्रेक हुआ
और जिनकी प्रेरणा से प्रवृत्त होकर के ऐसे जो श्री परम कृपालु चैतन्य राम प्रभु है उनके चरण कमलम की वंदना मेरे अंदर कुछ नहीं शक्ति संचार करने वाले मेरे प्रभु हैं मैं करता नहीं वास्तव में करता तो वो है जो मेरे माध्यम से कुछ करना चाहते हैं मैं तो दीन दासन दैन्य की पराकाष्ठा दैन्य भाव वैष्णवों का भूषण होता है कर्तृत्व अभिमान को स्वामी पाद में लेश मात्र भी नहीं अब देखते हैं प्रेमाती संतिका में और अन्य भी इसी चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले श्री चैतन्य मनोभीष्टम एक शब्द है मनोभीष्टम इसका तात्पर्य है मनोभीष्ट जो है जो अभीप्सा है जो अभिलाषा है वो उनकी अंतर्निहित है मेरे प्रभु उसको स्वयं प्रकट करना नहीं चाहते थे अपनी अभिलाषा को उत्प्रेरित किया जिनके अंदर वो थे श्री रूप गोस्वामी का श्री चैतन्य मनोभीष्ट मन अभिलाषा मन की होती है मन की बात भगवान के मन की बात भक्त ही समझता है और भक्त के मन की बात भगवान ही समझते हैं भगवान तो समझ सकते ही है अंतर्यामी है लेकिन जो परम प्रिय भक्त होते हैं वो भी भगवान के हृदय की मन की बात को समझते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्ट श्री प्रभु के मन में जो इच्छा है उसको व्यक्त रूप में उन्होंने प्रकट किया इनके अनेकों प्रसंग आते हैं समय अल्प है संक्षेप में कहना है किस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य की मनोभिलाषा को प्रस्फुटित किया प्रकट किया प्रचारित किया तो उनकी अभिलाषित जो काम जो वस्तु है जो वो चाहते थे मन की जो कामना थी प्रभु की भक्ति रस सिद्धांत का प्रायण करके इस पृथ्वी तल पर स्थापित करके प्रभु ने रूप गोस्वामी जी के द्वारा कराया स्थापित स्वयं रूप ऐसे श्री रूप गोस्वामी कदामी सपदांति का अपने चरण कमल का आश्रय पता नहीं वो कब मुझे देंगे कदापि वर्तमान काल है लेकिन भविष्य का समय है कदा वैश्यम ददाति कहने का तात्पर्य कि रूप गोस्वामी के चरणाश्रय के बगैर कुछ भी सोचना समझना करना असाध्य है रूप शरणागति और रूपानुगा भक्ति और रूप अनुगत्य में भजन भक्ति रस भक्ति रस भजनम भक्ति एक तो साधन भक्ति है और एक साध्य भक्ति है साधन भक्ति जिसको हम भजन कहते हैं उसकी परिभाषा भक्ति रस्य भजनम का भजन करना अर्थात श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण ये तीन साधना प्रधान है श्रवणम कीर्तनम ध्यानम महासाधन उच्यते महासाधन कहा गया है तो ये इनका भजन है श्रवण कीर्तन
साध्य भक्ति है जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं, उसकी परिभाषा है भक्ति ही भगवत सेवा, भगवान की सेवा ही भक्ति। ये सेवा जो है, इस सेवा का अधिकार उसे ही प्राप्त हो सकता है जिसका हृदय पवित्र होता है और उस योग्य बन जाता है, सेवा की पात्रता आ जाती है, अंतःकरण पवित्र करने का एक मात्र उपाय है भजन या श्रवण कीर्तन स्मरण और श्री गुरु गोस्वामी के चरणाश्रय। भक्ति भगवत श्री गुरु गोस्वामी प्रभु ने गुरु महाराज जी का आदेश है, हम तो भावा विश्व बोलते रहते हैं, समय का पता नहीं लगता है क्योंकि अंत में हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक बात है। शिव गोपाल के चरण में समर्पित होने की भावना जब उनके अंदर प्रबल होती है तो वो कहते हैं प्रभु लोग ना मोरे सोंगे जोड़िया जावे। हाजी शिरुबेन पाद पकते मोरे समर्पित है मेरे श्री गुरु श्री लोकनाथ प्रभु, कब मुझको अपने साथ लेकर जाएंगे और श्री रूप गोस्वामी के प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद का जो मुख्य अवधान है भक्ति राज में राधानुगा भक्ति को रस रूप में सैद्धांतिक भाव से प्रतिष्ठित करने का एकमात्र श्रेय श्री रूप गोस्वामी राधानुगा भक्ति। जी हाँ, सज भाव युक्त भक्ति। जी हाँ, इनकी तो श्रीपेर पाद पद्य परिश्रम। दूसरी बात, मंजरी भाग से उपासना रम्या काचित उपासना पर जब वो वर्गे न जा कल्पिता ये श्री गोस्वामी पर बात करते हैं। नवदासी बोली सीतु को चाहिए, नवदासी दासी रूप में मंजरी भाग से उपासी शिव की जब दृष्टि पड़ेगी पोतो दी ने ऐसा इस प्रकार शिव गोस्वामी प्रभु जी के चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी चरणों में शरणागत होकर के हम यही दीक्षा मांगते हैं कि हे प्रभु पाद, हम तो अयोग्य हैं, अपात्र हैं, उपात्र हैं, यदि कभी आपकी करुणा दृष्टि इस ओर हुई तो इस जीव को धन्य करें, यही उनकी चरणों में प्रार्थना है। और यही विशिष्ट वक्ता श्री कुंज बल्लभ गोस्वामी विभिन्न पहलुओं पर चैतन्य महाप्रभु के वैशिष्ट में रूप गोस्वामी के अथाह अनंत वैशिष्ट समुद्र में पहुंचना उसको समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, उनकी कृपा से ही उनको समझा जा सकता है। बिना चैतन्य महाप्रभु
रूप गोस्वामी के, मैं तो समझता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने इतनी लीलाएं की, यदि रूप गोस्वामी यदि नहीं होते तो उनका प्रधान सब वैशिष्ट ऐसे ही खरा रह जाता, उनकी भगवत्ता भी धरी रह जाती। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने वर्णन किया उनका सारा जन्म, किंतु कहाँ से वर्णन किया, रूप रघुनाथ के मुख से सुनकर, उन्हीं का एक तरह से हृदय का भाव उन्होंने। चैतन्य भागवत में ही यही सब बातें, इसलिए बिना रूप गोस्वामी के, रूप गोस्वामी का महिमा को स्पर्श करना बड़ा भारी दुर्लभ है। इसलिए उन्होंने उनके चरणों में बहुत वैशिष्ट दिखला कर और उनका वैशिष्ट वर्णन किया, हम इनके आभारी हैं। किंतु समय संक्षेप के वजह से इनसे आपको निवेदन करना पड़ा, इसलिए हम इससे चला। अभी हमारे संप्रदाय के, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रसिक विद्वान तत्व श्री अच्युत लाल भट्ट, सर्वत्र इनको भागवत वक्ता के रूप में जाना जाता है। आज मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि श्री रूप गोस्वामी के चरणों में उनकी विभिन्न वैशिष्ट्यों की पुष्पांजलि अर्पण करें। श्रीताय गौर हरि श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुम्भोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य, यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्याः प्रसादान्नगति कुतोऽपि, ध्यायन् स्मरन् तस्य शस्त्रसन्ध्यं, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्री रूप गोस्वामी जी का ये श्लोक है श्रारंभ की वंदना में कि निर्यास श्यामलिंगनाम परिणति रमित प्रेम लक्ष्मी भराणाम साक्षात्कार कृपाणाम अखिल मधुरिमा संपदाम संप्रदाय गांभीर्यम विभ्रमाणाम उपचित रमितश्चातुर्याम चिरंबो भूयात् आभीर नारी कुच कलश कटा लंकृति ही मंगलाय। हमारे बड़े श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री रूप सनातन स्तोत्र, उसमें उन्होंने जो श्री रूप गोस्वामी पाद की वंदना की उसके ही कुछ श्लोक यहाँ मैं अंकित करके लाया हूँ। एक पद्य है कि तश्री भागवतस्य तत्वममलं बोद्धुं क्षमो भूतले, तश्री भागवतस्य तत्वममलं बोद्धुं क्षमो भूतले, को वृंदावन माधुरीं कलयितुं वक्तुं च धत्ते मतिं, श्री गोष्ठेन्द्रात्मज रूप मद्भुततमं को वेत्ति वा नैत मानसं, गोष्ठेन्द्रात्मज रूप मद्भुततमं को वा नैत मानसं, श्रीमंतं करुणाकरं गुणनिधिं रूपं सबंधुं विना। वहीं का एक और श्लोक है, पद्य है। इस पद्य का सीधा सीधा सार था सामान्य कि श्री भागवत के तत्व को श्री रूप गोस्वामी के बिना कौन जान सकता, श्री वृंदावन की माधुरी को श्री रूप यदि दृष्टि नहीं देते तो कौन देख सकता था। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के अद्भुतम जो स्वरूप अर्थात
जहां प्रियाओं के अधीन होकर वे विराजमान प्रेम वश होकर के विराजमान ऐसे श्री गोविंद के उस गोपीजन बल्लभ स्वरूप को कोवा नयन मानसन अपने हृदय में कौन ला सकता था। श्रीमंतम करुणाकरम गुण निधि रूपम सबंधु बिना श्री सनातन गोस्वामी सहित श्री रूप गोस्वामी बाद जो परम करुणाकर हैं गुण निधि हैं उनके बिना उनके तत्व को कौन जान सकता था। श्री रूप गोस्वामी जी के स्वरूप का उनके वैराग्य की ओर उनके जो अनंत गुण हैं उनको रेखांकित करने का आचार्यों ने एक प्रयास किया। श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद श्री रूप गोस्वामी जी के उस त्याग और उदारता इन दोनों को कहीं रेखांकित करके भी कह रहे हैं कि कंथाम एकाम दधान करक युत कर राधिका कांत लीलाम गायन ध्यान समोदम त्रुम तद बसते कृष्ण नामानि गुणं कुर्वन् रूलं भिक्षां क्वचिदपि परमात् ब्राह्मणात् स्थूल वृत्तिं रूपो नीचस्त्रेभ्यः तरुणं गहनः राजते कामनास्तः। बोले श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् वृंदावन के किसी वृक्ष के नीचे श्री यमुना जी के किनारे विराजमान होकर के श्री राधा गोविंद की माधुरी का ध्यान कर रहे हैं। उनका स्वरूप उनका वैराग्य में स्वरूप कैसा है श्री महाप्रभु का पढ़कर वैराग्य प्रधान और वैराग्य प्रधान स्वरूप का ही दर्शन करके श्री चैतन्य भगवान को परम सुख की प्राप्ति होती है। उसी ओर संकेत है कि कंथाम एकाम दधान करक युत कर राधिका कांत लीला गायन ध्यान समोदम त्रुमतल बसति कृष्ण नामान गुणन कुर्वन रोलम भिक्षां क्वचिदपि परमात् ब्राह्मणात् स्थूल वृत्तिं रूपो नीचस्त्रेभ्यः तरुणिव गहनः राजते काननांतः। बोले श्री रूप राजते काननांतः श्रीमद् वृंदावन में विराजमान है। स्वरूप कैसा है बोले कंठां एकां दधान तन मलिन भले तो कंठां एकां दधान एक कंठा को धारण किए हुए हैं करक युत कर हाथ में मिट्टी का एक लोटा है करवा और राधिका कांत लीलाम गायन ध्यान समोदम श्री राधिका कांत की लीला का गायन करते हुए त्रुम तद बसती कृष्ण नामान वृणन वृक्षों के नीचे निवास कर रहे हैं कृष्ण नाम को ग्रहण कर रहे हैं और कुर्वन रोलम भिक्षाम रोलम कहते हैं मृग घोड़ा सो माधुकरी जो भिक्षा है रोलम भिक्षा उस माधुकरी को करके उसके विराजमान है और क्वचित परमात् ब्राह्मणा स्थूल वृत्तिम कभी कभी कोई परम वैष्णव ब्राह्मण मिल जाए उनके पास में स्थूल भिक्षा करते हुए भी विराजमान रूपो नीचस्त्रेभ्य तरुणिव गहनः राजते काननांतः। श्री रूप तृणातप नीच होकर के श्री वृंदावन में विराजमान है। स्तव माला के भाष्य में श्री बल्ले विद्याभूषण श्री रूप गोस्वामी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि देवाचार्यम यम विद सत कवित्वे पाराशर्यम तत्ववादे महांतम श्रृंगारार्थम व्यंजने व्यासूनु सश्री रूप पावनो भृत्य वर्णन श्री राधा गोविंद के श्री चरणारविंद में प्रणत पुरस्कार यहाँ मंच पर विराजमान परमहंस परिव्राजकाचार्य वैष्णव वरेण्य
विद्युत वरेण्य श्री भक्त वेदांत श्री महाराज जी के श्री चरणार्थ में कोटि कोटि वंदन पुरस्कार श्री परम प्रिय मित्र वर आदरणीय श्री कुंजवल्लभ जी गोस्वामी जी यहाँ जिनके सारगर्भित प्रवचनों को हम श्रवण कर चुके हैं, विराजमान श्री माधव महाराज, श्री दामोदर महाराज, श्री गोविंद महाराज, सभी वांछाकल्पतरु वैष्णव मंडली एवं कृपामयी मात्र मंडली के श्री चरणारविंद में वंदन। आप मुझे संचार संचरित करें, श्री रूप गोस्वामी के अपूर्व अवदान, उनके गुणों के गायन करने में मैं प्रलुप्त हो सकूं, ये वाणी कृतज्ञ हो सके। श्रीमद वृंदावन धाम में श्री रूप गोस्वामी पाद के तिरोधान महोत्सव के इस मंगलमय अनुष्ठान में आज यह द्वितीय दिवस की सायंकालीन सभा यहाँ आयोजित की जा रही है और आप श्री रूप गोस्वामी पाद के अपार अनंत महान गुणों के विषय में निरंतर निरंतर श्रवण करते रहे हैं। श्री रूप सनातन गौड़ी मठ और वहां विराजमान श्री महाराज श्री का संपूर्ण विश्व को बहुत बड़ा अवदान है। जब हम कहते हैं परमहंस परिव्राजक आचार्य, ये बात कोई थक्का मार ढंग से नहीं कह रहे। जब ये बात कही जाती है तो कहीं पूर्ण गंभीरता के साथ और इन शब्दों में जो अर्थ गंभीर छिपा हुआ है उसको अपने हृदय में लेकर के इन शब्दों का, इन विशेषणों का यहाँ श्री महर्षि के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। हंस वो है जो कि सब सब विवेक से युक्त हो। सत में भी जो तुलनात्मक दृष्टि से परम सत को प्राप्त करे वह परम हंस है। सभी वस्तुएं परम परम उपास्य हैं। श्री कृष्ण शब्द का अंतर्यामी से लेकर के नंद नंदन पर्यंत सर्वत्र कृष्ण शब्द का प्रयोग संभव है और किया गया है। पर कृष्ण शब्द अपने परम अर्थ में जहां अपूर्व रूप से रस का संचार करते हुए विराजमान होते हैं, वहां वे श्री निकुंज मंदिर में श्री राधा गोविंद देव रूप में ही जब श्री हिडोला लीला में, झूलन लीला में श्री युवा सरकार विराजमान, वहां पर जैसी माधुरी की पराकाष्ठा प्राप्त होती है वैसी माधुरी की पराकाष्ठा कहीं दूसरी जगह नहीं। और श्री लोरा लीला विशेष रूप से परम वंदनीय है क्योंकि इस लीला की एक अद्भुत विशेषता है। श्री महर्षि ने एक संकेत कर दिया था कि यद्यपि परजन घटिया से मानव स्मरामी मध्यान्ह लीला के स्मरण में दोला लीला नित्य है, श्री सरकार नित्य ही लोला घूमते हैं,
बार पिछले श्रावण के महीने में जो हिरोदय की शोभा है वह कुछ अद्भुत है, और घिडोला में श्री युवा सरकार के विराजमान होने पर एक विशेष दर्शन का की प्राप्ति है जो किसी दूसरी लीला में प्राप्त नहीं है, और वो दर्शन है कि श्री किशोरी जो जिस समय घिडोला में छोटा लेते हुए ईंच लेती है उस समय आपके चरण ऊंचे हो जाते हैं और चरण तल पर विराजमान श्री प्रिया जी के जितने भी चरण चिन्ह, श्री युवा सरकार के जो चरण चिन्ह हैं, छत्रासु ध्वजवल्ल पुष्पवलयम् पद्मोर्ध रेखांकुशम् अर्धेन्दुम् च एवं च वाम मनया शक्तिं गदां स्यन्दनम् वेदी कुंडल मत्स्य पर्वत धरम् धत्तेन्द्र सव्यम् पदम् ताम राधां च उन्विंशत् महा लक्ष्मी। श्री किशोरी जी के 19 चरण चिन्हों का साक्षात दर्शन होता है, रोया लीला की एक विशेष विशेषता है। रोया लीला में श्री युवा सरकार जिस समय झूलते हैं और झूलते हुए जब छोटा लंबा जाता है और श्री लाल जी अपने चरणों को ऊंचा करते हैं उस समय श्री लाल जी के चरण चिन्हों का सखी गणों को साक्षात दर्शन होता है। वृंदावन की चरण रज पर अंकित जो चरण चिन्ह है उनका दर्शन तो समय समय पर होता रहता है कि ये जो चरण चिन्ह है वो निसंदेह ये श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है, और कस्या पदान चिंतानी याताया नंद सुमना ये दूसरे चरण चिन्ह है वो कौन के हैं। रासलीला में युवा सरकार को ढूंढती हुई सखीगण उन चरण चिन्हों का दर्शन तो कर लेती है, परंतु साक्षात दर्शन वो दो ही स्थितियों में प्राप्त होते हैं, या तो श्री युवा सरकार जब रस में विराजमान है या रस हिडोले में विराजमान है। जय जय श्री राम। रूप गोस्वामी के ये तिथि का समारोह वह विशेष रूप से एक महाकवि का समारोह नहीं है। रूप गोस्वामी की तिथि समारोह उनकी अंतर्धान तिथि का समारोह यह किसी संत का जैसे समारोह होता है तिथि का उससे कुछ विशिष्ट है। यह समाराधन किसी कवि का, किसी दार्शनिक का, किसी विचारक का, किसी लोकनायक का समाराधन मात्र नहीं है, किसी पूर्व पुरुष का समाराधन मात्र नहीं है, उससे निस्संदेह यह कुछ विशिष्ट है। और विशिष्टता क्या है? वो विशिष्टता यह है कि यह एक व्यक्ति का समाराधन नहीं है, बल्कि यह सबके परम परम आश्रय और आश्रय में भी रस के परम आश्रय श्री श्याम सुंदर के भी परम परम अभीष्ट उनके अवतार का जो मुख्य प्रयोजन, उस मुख्य प्रयोजन को जो प्रकट करने वाले लीला बिहारी रहे उनके हृदय को भी प्रकट करने वाला यह समारोह है। केवल कृष्ण का समारोह नहीं, कृष्ण के अवतार के दो प्रयोजन रहे, प्रेम रस विद्यास कौलित आस्वादन, रागमार्ग भक्ति लोक कौलित प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एक गुणी हेतु है ते इच्छा उत्तम। परंतु कृष्ण स्वरूप में वे दोनों ही प्रयोजन जिनकी प्रतिज्ञा करके श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, श्री कृष्ण का जो अवतार था वह अधर्म के नाश या धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं था। अधर्म का यदि नाश करना होता
नृसिंह वराहा आदि कोई स्वरूप धारण किए ऐसे श्री प्रभु किसी अपने वैभव स्वरूप को भेज देते और कंस जरासंध जसों को मरवा देते। स्वयं स्वरूप कृष्ण के अवतार का यह प्रयोजन नहीं है कि वे पृथ्वी के भाग को उतारे। स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार का यह भी प्रयोजन नहीं है कि वे भक्ति मार्ग का प्रचार करें। भक्त मार्ग का प्रचार करना होता तो श्री कपिल ऋषभ नारद समकालिक श्री रामानुज पल्लव श्री निंबार श्री विष्णु स्वामी आदि किन्हीं वैष्णव स्वरूपों को पृथ्वी पर भेजते थे और उनके द्वारा धर्म की स्थापना कराते थे। पर श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए उस अवतार के केवल दो ही प्रयोजन थे जो किसी प्रतिनिधि को भेज करके पूरा नहीं किए जा सकते थे, जो किसी वैभव को भेज करके पूरा नहीं किए जा सकते थे, वो था प्रेम रस, निर्यास का आस्वादन और दुर्लभतम जो राग मार्ग है उस राग मार्ग की स्थापना। परंतु ये दोनों ही प्रयोजन कृष्ण स्वरूप में कहीं अपूर्ण रह गए, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं आऊंगा, संकेत केवल संकेत करते हुए चल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार के ही इतिहास क्रम में आगामी कलयुग स्वयं श्री गौर हरि के रूप में अवतरित होकर के आपने उस इन दोनों प्रयोजनों को पूर्ण किया। जिन प्रयोजनों को कृष्ण स्वरूप में पूर्ण नहीं कर सके उन प्रयोजनों को आपने गौर रूप में पूर्ण किया। प्रेम रस निर्यास के आस्वादन में जो कमी रह गई थी उस कमी को आप गौर रूप में पूर्ण कर सके, तथा वांछाओं की पूर्ति कर दे। और कृष्ण रूप में जिस प्रेम का दान करने में बड़े संकोच धारण करते हुए रहे वह दुर्लभ जो प्रेम रस था उस प्रेम रस का आपने दान भी किया। श्री रूप गोस्वामी जी की जो तिथि की समाराधना है वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग की वंदना का अवसर है। श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि की समाराधना सर्वोत्तम जो प्रयोजन पदार्थ है उस प्रयोजन पदार्थ के समाराधन का और उसे कहीं संकलित करने का अवसर है। श्री रूप गोस्वामी जी की समाराधना एक महापुरुष की तिथि है, उसका हम उसके प्रति हम श्रद्धानत हैं। ये एक श्रद्धा की विनम्रता मात्र नहीं है बल्कि यह जीवन का एक लक्ष्य है, जीवन का एक मोटिव है। जिस मोटिव को जीवन के उस महान उद्देश्य को इस ये तिथि हमको प्रदान करती है और यहां पर उसे एक दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। महाराज जी की कृपा से उस जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य उस सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम साधन को प्राप्त करने में भी सर्वोत्तम जो उपाय इन तीनों को वर्णन करने के लिए ये जो तिथि है यह तिथि विशेष रूप से वंदनीय है। इसलिए तिथि समाराधन अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, अन्यथा जितने भी महापुरुष हैं सबकी तिथियां सबकी तिथियों का समाराधन होता ही है। परंतु यहाँ पर विशेष रूप से जो गौड़ी वैष्णव जन हैं उन गौड़ी वैष्णव जनों का यह विशेष रूप से परम अभीष्ट यह अवसर है जिसमें वे अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। श्री निकुंज सेवा सुख अनगत चरी भक्ति के द्वारा
मंदिरी भाव के द्वारा हम ग्रहण कर सके, यह है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, जिससे बढ़कर के कोई उद्देश्य हो नहीं सकता है। और उस मंजरी भाव के द्वारा की गई, भावोल्लास के द्वारा की गई जो सेवा सुख, उस सेवा सुख को प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद विराजमान होकर के श्रीमद वृंदावन में श्री महाप्रभु के चरणों की वंदना करते हुए कह रही है कि सचैतन्य किम्बे पुनरपि दृशो हो या सिर्फ पदम। विराजमान है कहां पर? वृंदावन। और प्रार्थना कर रहे हैं कहां? किनकी? बोल श्री रथ के आगे जो नृत्य करते हुए श्री गौर हरि हैं, वे कब पुनः मुझे दृष्ट पथ में विराजमान होंगे? रूप गोस्वामी जी ने एक पद्धति निरूपण कर दी कि हृदय से प्रेरणा श्री गौर लीला का जो मैं ब्रज लीला का गायन करने के लिए जा रहा हूँ, वह ब्रज लीला का गायन श्री गौर आमगत्य में ही एकमात्र हो सकता है। गौर आमगत्य के बिना उस लीला की, सर्वोत्तम लीला, लीला का आस्वादन तो हो जाएगा गौर आमगत्य के बिना। और लोगों को होता है, बहुत सारे संप्रदाय हैं जो श्री वृंदावन उपासना के द्वारा श्री मृत्युंजय लीला का आस्वादन प्राप्त करते हैं, परंतु एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोर्ध जो आस्वादन है, वो सर्वोर्ध आस्वादन तब प्राप्त होगा जबकि गौर आनुगत्य ग्रहण करके, फिर गौर आनुगत्य के द्वारा जब मृत्युंजय लीला का प्राप्ति की जाएगी। अर्थात पहले साधक अपने आप को श्री गौर परिकर में, श्री नवद्वीप लीला में एक ब्राह्मण बालक के रूप में अपनी अंतश्चिंतित भावना करते हुए, सिद्ध देही की भावना करते हुए, श्रीमद महाप्रभु की सेवा करते हुए विराजमान हो। जब महाप्रभु तीन दशाओं में बहिरण्य दशा में विराजमान है, उस समय उसका आचरण भक्तों जैसा हो, जब श्री महाप्रभु कभी अर्धबाह्य दशा में विराजमान हो, भक्तगणों के ऊपर कृपा भी कर रहे हैं और भीतर मधुर लीला का, श्री ब्रज लीला का चिंतन करते हुए भी विराजमान है, उस समय वह भी श्री महाप्रभु के अंतर्गत भाव का पोषण करते हुए विराजमान हो, और जब श्रीमद महाप्रभु अंतर दशा में प्राप्त होकर के श्री निकुंज लीला में प्रवेश कर श्रीमद वृंदावन लीला का दर्शन करें, जैसे कभी समुद्र में कूद गए हैं, जालिया के जाल में फंस गए हैं, कथा कहने का प्रसंग नहीं है, संक्षेप में अपनी बात कहनी है, जालिया ने महाप्रभु को अपने जाल में फंसाया किसी मछुआरे, और मछुआरे के जाल में महाप्रभु हैं, और महाप्रभु के स्पर्श को प्राप्त करके मछुआरा हरि बोल कहकर के नाच रहा है, पागल हो रहा है, और श्री स्वरूप दामोदर मन में विचार कर रही है, बोले हाय, जहां गंभीरा के तीन तीन परकोटा है, उन तीन परकोटाओं को पार करके महाप्रभु कैसे बाहर निकल गए और कैसे वे कहां चले गए। और जब किसी जालिया को देखे वो उसके माध्यम से सूत्रों को पकड़ते हुए, क्लूज को पकड़ते हुए ये पता लगाते हैं कि महाप्रभु को मूर्छित अवस्था में समुद्र के किनारे पड़े हुए हैं, महाप्रभु के पास में पहुंचते हैं, महाप्रभु के पास में पहुंच करके उनके हाथ पैर मसलते हैं, महाप्रभु को चेत लाने का प्रयत्न करते हैं, महाप्रभु धीरे से अंतर दशा से बहिर दशा में विराजमान होते हैं, और बाहर श्री जगन्नाथ जी के चक्र का दर्शन करके, शिखर का दर्शन करके, समुद्र का दर्शन करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले हे, मैं तो वृंदावन में श्री युवन सरकार के मधुर लीला का दर्शन कर रहा था, मैं यहां जगन्नाथपुरी में कैसे आ गया, लीला क्षेत्र में कैसे आ गया, मैं तो वृंदावन में
जल के लिए क्रीड़ा का दर्शन कर रहा। श्री स्वरूप दामोदर यही कहते हैं, तुम्हें मूर्छा छोले देखे वृंदावन क्रीड़ा, परंतु तुम्हारी कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं है पंक्ति, परंतु तुम्हारी मूर्छा देख करके जितने भी भक्तजन हैं वे सब पाए पीड़ा। तुम तो वृंदावन में मूर्छा छत से श्री वृंदावन की क्रीड़ा का दर्शन करते हो, परंतु तुम्हारी मूर्छा देख करके हम सब भक्तगण पीड़ा प्राप्त करते हुए विराजमान। तो इस प्रकार महाप्रभु जब अंतर दशा में विराजमान तो एक नवद्वीप योग पीठ का ध्यान करने वाला, नवद्वीप अष्टकालीन लीला का स्मरण करता हुआ व्यक्ति, वह भी एक साधक भी उस समय श्री महाप्रभु के साथ ही वृंदावन निकुंज लीला में प्रवेश कर जाता है। अब यहां पर